हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? ओके, आप देखोगे कि ये क्या कर रही है ना, तो थोड़ा सा आपको मैं बता दूँ। मैंने मेकअप लुक शूट कर लिया, मैंने मीशो का हॉल शूट कर लिया, मैंने सब कुछ बोलने वाला जो भी काम था। पीछे आप देख लो, चार कुर्तियाँ हैं मीशो की, चार कपड़े हैं क्रीवा के, सूट्स हैं, दोनों चीज़ें कर ली। उसके बाद मैंने बनाई है शाही पनीर की सब्ज़ी, अभी दिखाती हूँ। हाँ जी, इस मेकअप के साथ ही मैंने अभी शूट सब्ज़ी बना ली है। शाही बहुत जल्दी बन जाता है ना, शाही पनीर। पनीर लेट आया, मैं मेकअप लुक करने बैठ गई थी, तो अब मुझे लगा कि चलो मैं डिनर टाइम ही बना लूँगी। तो मैंने सब्ज़ी बनाई फटाफट से। अभी मैंने आटा गूंदना है, आटा भी नहीं पड़ा तो गूंदो, आटा गूंदना है, रोटी बनानी है, उसके बाद फिर मैं बाद में खाऊंगी। मेरे को सारा ये उतारने के बाद मैं खाने वाली हूँ। एट द एंड मैं अभी नहीं खाने वाली, बस ये दोनों को दे दूँ, आरव के पापा को और आरव को। उसके बाद फिर मैंने क्या करना है, ट्राई ऑन करना है। रोटी सब्जी बनाने के बाद देने के बाद ट्राई ऑन करना है। हाँ जी, दिखाया है, अभी मैंने सिर्फ कपड़ा पकड़ पकड़ के ट्राई ऑन नहीं किया। ट्राई ऑन पार्ट अभी बाकी है। नीचे पता लहंगे भी पड़े हैं, वो आज नहीं करने वाली। आज मैं देख लो लहंगे पड़े हैं नीचे, कल फिर से रेडी होती हूँ, कल करूँगी मैं। फेस थोड़ा सा आपको स्वेटी स्वेटी लग रहा है क्या? पता नहीं, हाईलाइट। इतना मेकअप करके कौन सब्जी बन रोटी बनाता है यार, मतलब। और ऊपर से मैंने एसी भी नहीं, मेरा चल रहा एसी, ओ ठीक करवाना पड़ रहा है भैया, एसी चलवाओ। इसको पहले सर्विस करवाएंगे तभी ना, कल परसों करवाती हूँ और सर्विस। ओके, उसके बाद मैंने और क्या करना है, ट्राई ऑन करूँगी, फिर मेकअप उतारूँगी, फिर खाना खाऊँगी और एक कप चाय पीऊँगी। आप बोलोगे रात को चाय? हाँ जी, रात को चाय। मैंने आज मेकअप करना शुरू किया था 6 बजे। 6 बजे करते 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 मेकअप किया, फिर वीडियो शूट की, फिर तो एक दो इंस्टा रील बनाई, ज़्यादा नहीं बनाई। मेरे को ज़्यादा वीडियोस का काम होता ना, तो मैं इंस्टा रील पे मेरा ध्यान ही नहीं जाता। लाइक बस थोड़ा बहुत दिखा, बस हो गया, 2 मिनट का इंट्रो खा ली मैं। चलो आटा गुनना है, रोटी बनानी है। ये देख लो शाही पनीर है, थोड़ा सा ही बनाया सिर्फ रात के डिनर के लिए। वैसे तो 100 रुपये का मंगवाया था शाही पनीर, मतलब पनीर आधा मैंने छोड़ दिया। सुबह पनीर परांठा खा लेंगे ना नाश्ते में, तो उसको मैंने छोड़ दिया। बस अभी डिनर देना 3 जनों के लिए, बस उतना सा मैंने बस शाही पनीर की सब्जी बना ली। टेस्ट तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, बाकी सिंपल होता है यार। प्याज टमाटर डाल दो इसके अंदर, भून लो, उसके बाद पनीर डाल लो एंड मलाई दूध डाल दो, ऊपर से गर्म मसाला एंड कसूरी मेथी, दैट्स इट। आरवी, तूने कितना गन डाला हुआ है कमरे में? पतिदेव लो, स्वाद है। के पापा ने खा ली, रात को दोई फुलके खाते हैं। अब मैं जा रही हूँ आरव को देने। आरव ने अपने कमरे में बहुत गंद डाला, मतलब इतना गंद ना, ये देखो। पर मैं इसको डांटती नहीं, क्योंकि मैं बहुत घंटे से काम कर रही थी और ये अपने सारे दोस्तों को लेके बैठ जाता है, एक दो दोस्तों को, तो फिर कमरे का यही हाल होता है। रात को मैं मेकअप उतारूंगी, सारा रूम सेट करूंगी, फिर ही मैं सोऊंगी। अब बच्चे को या तो खुद बैठो पास में, जब बैठना ही नहीं तो बच्चे को फिर अपनी फ्रीडम मैं दे देती हूँ, जो चाहे वो करे। ये देखो, ये लो आरफ, ये आपकी रोटी है, ठीक है। ये रही आपकी सब्जी, हाय कर दो इनको, हाय कर दो इनको, नहा के देखो, तूने टॉवल यहीं पे रख दिया, कोई बात नहीं मैं उठा देती हूँ बेटा, तुम खा लो बस। इसको टीवी में इसको कोई इंटरेस्ट नहीं। हेलो तो करती, हेलो, देखो देखो कोई इंटरेस्ट नहीं है। खाली पतिदेव ने रोटी, पतिदेव ने रोटी खाली, प्लेट रखने आ रहे हैं, पतिदेव ने रोटी खा ली, दो। मैं अपने रख दूंगा, अपने आप ही रखते हैं वैसे हमेशा। आ जाओ, चलो ही भाई, धुआं लग रहा है कमरे में, है ना? अब किचन में धुआं ही लगेगा। जूठे भांडे छोड़ दो, तो छोड़ दो, कुछ नहीं, ऑरेंजेस खाए थे बस उसमें। आरव के पापा के लिए दूध में पत्ती डाल दे, क्योंकि बोल रहे थे दूध पत्ती बना दे देना मुझे, और चाय पत्ती। और मैंने अपने लिए चाय बनाऊंगी मैं, बिकॉज अभी जागना है मुझे। और बस आरव को रोटी खिला के आई। आरव, तू अपने अब क्यों नहीं खाया बेटा? कोई बात नहीं, आज मैं इसको दोपहर से नहीं इसके ऊपर ध्यान दिया। ये ना मेरा बेटा, मैं खिला।
ओ, बस हो गया धूप पत्ती और गैस बंद। इसमें मैं चाय बना लूंगी, पहले मैं उनको देख के आती हूँ। हेलो, गरम है? गरम ही भी ना? नहीं, अच्छी तरह पकड़ लो। मैं बनाऊंगी अपनी चाय। साथ में डालूंगी अदरक। अदरक वाली चाय। सारी अदरक इधर उधर भाग गई वीडियो शूट के चक्कर में। एक आ रहे भाई, तुम मत गिर जाना। मेरी चाय हो गई ही है रेडी एकदम अदरक वाली। ओहो हो, क्या मस्त चाय है भैया। चलो ये किसका किसका मन कर रहा अदरक वाली चाय पीने का? मैं तो इतना थक गया ना, मेरा मन कर रहा फिर मैं चाय पीऊं, बाद में देखती हूँ और कुछ बात ही खत्म कर। ये है मेरा डिनर, देख सकता। एक रोटी और साथ में सब्जी। चाय मैंने इसलिए ली क्योंकि आई एम सो मतलब एनर्जी चाहिए यार। अभी मेरी वीडियो का काम पेंडिंग है, मुझे ट्राई ऑन्स करने हैं, वीडियो को अनरेडी वाली भी शूट करने, तो थोड़ा सा आई नीड एनर्जी। इस वजह से चाय। पहले मैंने सोचा था कि मैं पहले अपने सारा काम कर लूँगी, लाइक यू नो इतने सारे कपड़े हैं इनको मैं पहले ट्राई ऑन करूँगी, मेकअप उतारूंगी, उसके बाद खाना खाऊंगी, है ना। मैंने ये बोला था वीडियो के स्टार्टिंग में ना, बहन नहीं हो रहा मेरे से, मेरे को पहले भूख लग रही है। सब्जी का टेस्ट अच्छा था, मैंने भी टेस्ट किया था, और साथ साथ में मेरा चाय पीने का मन कर रहा है। उसके बाद मैं ना थोड़ा सा मेरा मूड अच्छा हो जाए, नहीं तो ऐसे में क्या होगा ना, मैं जल्दी 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 उसको करने का ख़त्म करूँगी। ऐसे में फिर से मेरे को अच्छा से स्माइल आएगी फेस पे ना, मैं इंजॉय करूँगी। मैं जब भी कोई काम करती हूँ ना गाइज, मैं इंजॉय करके करती हूँ। जब मेरे को थोड़ा सा लगे ना कि मैं थक गई या मन नहीं लग रहा या अच्छा नहीं लग रहा, मैं उसको उसी समय माइंड अप कर देती हूँ। तो मुझे पता आई नीड जस्ट एक कप चाय अदरक वाला, फिर मे बी मैं सोच रही हूँ। मैंने मेकअप तो इतना सारा लगाया हुआ है, मैं लहंगे का भी एक वीडियो निकाल ही देती हूँ साथ में। सॉरी यार, उधर आरव ने टीवी लगाया, मैं उधर ही जा रही हूँ, उसको भी खाना खिलाऊंगी साथ साथ में। दोपहर को भी बड़ी जल्दी जल्दी उसको खिलाया था दोपहर को, इसलिए क्योंकि मैंने नहाना था एंड मैंने फिर अपना रेडी होना था, आउटफिट डिसाइड कर रही थी, ये सोच रही थी कौन कौन सी वीडियो बनानी है, तो मैं बस उसको फटाफट से खिला रही थी। उसके पास नहीं बैठी हुई थी मैं, अपने इस कमरे में थी, ज़्यादा उसको खिला रही थी। एंड ये देख लो, खा लेते हैं अपने आप, लेकिन थोड़ा सा बुलवाते हैं तो मुझे होता क्या, मैं बेचारे छोटे बच्चे को बोल लूँ डांट। आज नहाया भी खुद, आज खुद नहाया, कहता कि आप काम कर लो मैं नहा लेता हूँ। अच्छा तो हाँ, शायद मैं लहंगों का हॉल भी कर लूँ, खा के बताती हूँ, मैं खा के देखती हूँ क्या मेरा मूड करता है। बाय। मैं आगे रूम में, अरे एक सेकेंड, अरे के पापा ने क्या रख दिया यार, ऊपर डब्बा रख दिया, अंधेरा लग रहा लाइट का। ओके, अब मैं आगे रूम में, एप्रन मैंने अपना उतारा नहीं क्योंकि मुझे रोटी खानी है। हाँ, चाय वगैरह पीऊँगी, रोटी खाऊंगी ना, लिपस्टिक ख़राब हो जाएगी, दोबारा से लगा लूँगी, उसके बाद फिर से शूट कर लूँगी। आरवी बैठी है मेरे पास। आरवी आपने टॉवल नहीं डाला अपना बाहर? प्रिंसेस स्टोरी को, हाँ मैं और आरव अब हम देखने वाले प्रिंसेस स्टोरी, एक स्टोरी देखूँगी। अरे वो आ दे, हाँ 12 मिनट वाली लगा ले। देखिए देखिए, ये देखो, ये देखो, यार आपको दिखेगा नहीं, हम लोग ऐसे प्रिंसेस स्टोरी लगा लेते हैं, आराम से बैठ के खाना खा लेते हैं, वो मेरा और उसका कॉमन इंटरेस्ट हो जाता है ना फिर। नहीं तो वो अपना कुछ लगाएगा, मैं अपना फोन में लगी रहूंगी, फोन में तो लगी हूँ मैं शाम से, फिर मैं फोन एकदम साइड में कर देती हूँ। चलो मैं फोन करने वाली साइड में, खाना खाने तो फटाफट से, फिर वीडियो खत्म करनी है, कल ही एडिट करके मुझे डालना है सुबह सुबह। आज क्या दिन है, आज 14th मार्च है शायद, आज संडे है, बस सिंपल सी बात है, संडे है, कल मंडे सुबह सुबह वीडियो डाल दूंगी मैं। हाँ लगा ले। चलो गाइस, हर रोज़
मेरे चाणक रही है ना। चलो गाइस बाय, अब मैं वीडियो को स्पीड में चलाऊंगी। सब्जी खा ली, अब मैं खा रही हूँ केक रस चाय के साथ। मुझे थोड़ा सा खाना खाए और साथ में थोड़ी सी नमकीन होगी। छोड़ो ये वाली, पहले अपनी रोटी खत्म करा रहा, फिर दूंगी। ओके, ये तो अपने आप खा लेता है ना रोटी, तो मैं खिला के उधर मैं जा रही हूँ बेटा, मैं अपना काम करने जा रही हूँ। ठीक है, जितनी देर मैं अपना देख सकता हूँ टीवी। हाँ, फिर तुम अपना देख लेना और अपनी पसंद की नमकीन खा लेना। ठीक है, अभी तुम रोटी सब्जी खाओगे। बाय। एक सुंदर शीशे का ग्लोब था जो आधी रोटी खाई, आधी रोटी उसके अभी पड़ी हुई है, मैं तो फटाफट खा लिया, चाय वगैरह मैंने अपनी पी ली। और उसके बाद फिर उसको थोड़ी सी नमकीन खानी थी, तो उसको नमकीन दे के आई हूँ। बीच बीच में जाऊँगी उसको खाने खिला दूंगी, या तो बोल के वैसे मैं अपने आप खा लेगा, देखूंगी ना पड़ा होता तो मैं उसको खिला देती हूँ। और क्या, लिपस्टिक थोड़ी सी उतरी है। ये थी मेरी मिलानी की अमोर मैट लिप क्रेम इन द शेड 12 लव्ड। मिलानी का अगर आपने ये वाली रेंज नहीं ट्राई की ना, तब ट्राई करो, लिप क्रेम काफ़ी अच्छा है, महंगा है, 1200 रुपये तक का है वैसे तो। मैंने भी कौन सा खुद खरीदा यार, मुझे पर्पल नहीं सेंड किया था जो सच है तो सच है। ठीक है, अरे बहुत टाइम पहले किया मेरे पास, साल से पहले किए। एनीवेज, मतलब मुझे ये पसंद आई, इतना कुछ खाने पीने के बाद भी अभी भी ऐसे ही है। तो मैं अभी क्या करने वाली हूँ, आई थिंक मैं कपड़ों का ट्राई ऑन करूँगी, साथ साथ में लहंगों का भी काम कर ही लेती हूँ, क्योंकि फीलिंग गुड, खाना खाने के बाद फीलिंग गुड। 1 घंटे का और मेरा काम बचेगा तो कर ही लेते हैं, क्योंकि अभी कोई भी नहीं उधर सोने वोने वाला। आरव के पापा भी फ़ोन पे लगे हैं, गाने मैंने सुन रहे हैं, आरव अपना टीवी देख रहा है। रात को यार सब लेडीज होते हैं 12:30-12 बजे सुबह, क्योंकि लेट उठना होता है, कौन सा बड़ा आजकल। वैसे भी आरव के स्कूल अभी सब कुछ बंद है, अभी क्लासेस वगैरह तो सब कुछ बंद है, या इसके एग्जाम्स हो चुके हैं, फाइनल वाले एग्जाम्स। आपको सुन भी रहा है, मैं थोड़ा सा धीरे ही बात कर रही हूँ। थोड़ी सी मैं अपने लिपस्टिक को अपडेट करूंगी और उसके बाद फिर अपना वीडियोस मैं शूट करूंगी। डन, ठीक है, यहां से भी खराब है, हो गया मेरा। मैंने पंखा चलाया हुआ लेकिन कम स्पीड पे, मुझे एसी इसको जल्दी ठीक करवाना पड़ेगा, उसकी सर्विस करवानी पड़ेगी ताकि मैं इसको चालू कर सकूं। और क्योंकि फैन अगर तेज करूँगी तो आवाज़ करेगा, पहले तो फ्रिज बंद करूँ, फ्रिज टटर कर रही है। ठीक है, चलो 3 प्रोडक्ट्स हैं, लहंगे हैं, फटाफट से इनको ओपन करते हैं और बाद में एक ही बार मैं ट्राई ऑन करूंगी, क्योंकि जब मैं ट्राई ऑन करती हूँ फिर तो मैं बोलती नहीं, ठीक है, पीछे तो गाना ही लगता है, तो आई एम लाइक सॉर्टेड कि चलो थोड़ी सी और रात भी हो जाएगी ना, तो चुप करके मैं अपना कपड़े डाल के दिखाती रहूंगी, मैं बोलूंगी नहीं जोर जोर से, नहीं तो रात को फिर शोर मचता है ना। बाय गाइस, मिलते हैं मैं आपको
थोड़ी देर बाद, जब मेरा अपना सारा काम खत्म हो जाएगा मेकअप उतारते समय मैं आपसे मिलती हूँ। बाय। आज पता नहीं कि व्लॉग करने का मन कर गया मेरा, क्योंकि अभी अभी जो मैंने अनरेडी वाली वीडियो शूट की ना उसमें मैंने थोड़ा सा व्लॉगिंग टाइप्स किया था, तो मुझे काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि दी करते रहा करो, एटलीस्ट हफ्ते में एक बार किया करो, हमें अच्छा लगता है। तो थैंक यू। अगर आपको मुझे देखना अच्छा लगता है तो मैं ज़रूर ऐसे वाले व्लॉग शूट किया करूँगी, अनरेडी में ही इसको व्लॉग टाइप्स कर दूँगी, थोड़ा सा पहले से शूट करना शुरू कर दूँगी, बिहाइंड द सीन आपको दिखाने लगी, आज आपको दिखाने लगी, देख लो इतना मेकअप करके सब्जी बनाई मैंने, आटा गूंदा मैंने, और फिर बाद में मैंने रोटी बनाई, सबको खिलाई और खुद भी खाई। भाई 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 ओह हो गया मेरा, मैं आपसे मिल रही हूँ 1.5-2 घंटे के बाद, और देख सकते हो आप ये सूट है, ट्राई ऑन हॉल देखना ग्रीवा वाली वीडियो में, मैंने अभी कर लिया लहंगा हॉल कर लिया मैंने, कुर्ती हॉल कर लिया मैंने, सूट हॉल कर लिया मैंने, ऐसे हैवी हैवी से सूट्स हैं सबको साथ साथ में मैं जोड़ती रही, बस ये लास्ट वाला प्रोडक्ट है, आउटफिट है जो रह गया है, बाकी सब मैंने कुर्तीज़ वगैरह सब डाल डुल के सब साथ साथ में जोड़ती रही, उतारती गई जोड़ती गई, ताकि एट द एंड फिर से वो कपड़ों का ढेर ना हो जाए। ठीक है, नाउ आई एम सॉर्टेड, सब कुछ हो गया है काम, आरव और आरव के पापा जाके सो चुके हैं, रात का पता नहीं कितना करते 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 मुझे 1.5 घंटा लग गया, और कल तो नहीं मैं वीडियो शूट करने वाली, कल मैं रिलैक्स करने वाली, कल एडिटिंग चलेगी, इन केस अगर मेरा मन किया तो मैं स्किन केयर करूँगी, और वैसी घर वाली अपनी वाली स्किन केयर करूँगी, मन किया तो मैं कैमरा ऑन कर लूँगी, दैट्स इट, क्योंकि एल्फ्स गुडनेस का ना एक पाउडर पड़ा हुआ है वो मुझे उसको अप्लाई करना है, मेरा मन कर आपको पर्पल हॉल में दिखाया था ना, तो शायद मैं उसको बस रिकॉर्ड करूँ मैं, दैट्स इट, अदरवाइज कल हमको नहीं तैयार होना, कल हमको नहीं, वैसे तो यू नो बैठ के वाली वीडियो शूट करनी, बिकॉज आई एम लाइक सो टायर्ड, आज भी है बैठ बच के, आज बहुत कम किया मैंने। चलो आउटफिट चेंज करें, और मुझे लेंस उतारने हैं, सब कुछ उतारना है, नाइट सूट यही अलमारी में पड़ा है, नाइट सूट डाल लिया मैंने, नाइट सूट है ज़िवामे का, अगर आप लोगों को ये नाइट सूट का लिंक चाहिए तो आपको ज़िवामे वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। चलो आपको आवाज़ आ रही है मेरी, अब मैं ना वीडियो वॉइस ओवर में करूँगी, क्योंकि मन नहीं कर रहा, मैं थक गई अब, वैसे भी फटाफट से स्किन केयर करनी है और मेकअप उतारना है बस मुझे, और उसके बाद फिर मैं सुना है, यस बस बेड पे बैठूंगी, देखूंगी जितनी देर एडिट कर सकी नहीं तो फिर आई जस्ट स्लीप। क्या होता है ना, एक तो स्यापा है बेड पे जाओ आराम से, जब तुम रिलैक्स हो जाओ तो फ़ोन पे और भी तो चीज़ें दिख जाती हैं, है ना, टू करने को, तो इस वजह से नींद जैसी आएगी तो सो जाऊंगी, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। चलो भाई अब गाइस वीडियो ना वॉइस ओवर में मैं करती हूँ। गाइज अब मैंने अपना नाइट सूट वगैरह चेंज कर लिया, चार्जर का पिन लगा लिया फ़ोन में, क्योंकि बैटरी डाउन थी, 5% थी सिर्फ बैटरी, और बार बार टूं 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 कर रहा था। बस अब मैं वॉइस ओवर करूँगी वीडियो को, क्योंकि बस अब मुझे चेंज करना था और फटाफट से ना मेकअप उतार के ना रिलैक्स करना था, तो बस वही करूँ मैं यहाँ पे फटाफट से। मैंने लैशेज उतार ली अपनी, डबल की स्पीड पे वीडियो कर दी, क्योंकि भाई आज तो वीडियो बहुत लंबी हो गई थी मेरी, मैं एक्चुअली पहले से शूट करने लगी ना, व्लॉग टाइप करने लगी इस वीडियो को, तो एडिटिंग टाइम मुझे पता लगा कि वीडियो बहुत लंबी होगी। भाई कहाँ चली गई, अच्छा गायब ही हो जाती हूँ, बताओ भला, फ्रेम से ही गायब हो जाओ, वाह क्या ढूंढ रही थी। अच्छा हाँ, मैं ढूंढ रही थी अपनी लेंस केस, लेंस रखने वाली डब्बी नहीं मिल रही थी, मिल गई हाँ मिल गई मिल के गायब होके मैं आप ही गई। मैंने रबर बैंड अप्लाई कर लिया, और अच्छा मैं आपको बताती हूँ, अगर आपने बहुत लेंसेस रखने के, वैसे सही तरीका पता है आपको क्या होता है, जब आप अपना लेंस उतारो ना, आप उसको उसी समय क्लीन कर लो, हल्का सा लेंस वाटर डालो, फिंगर्स के साथ क्लीन कर लो, नेल्स नहीं लगने चाहिए आपके, नेल्स लगे तो लेंस आपका कट जाएगा और वेस्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा उसी समय, ठीक है, किसी काम का नहीं रहेगा। मैंने अपने लेंसेज को उतारा, उसको क्लीन किया, ये मैं यूजुअली स्टेप करती हूँ बट कई बार स्किप कर देती हूँ, बट आज तो मेरे लेंसेज कुछ मुझे लग रहा था जैसे कुछ ज़्यादा ही डर्टी हो गया, क्योंकि बहुत देर तक एक तो लगा के रखा, दूसरा क्या था कि मेकअप करते समय ना काफ़ी कुछ ना गया था मेरी आइज़ के अंदर, जैसे रेड पाउडर हो गया, हल्का हल्का ना पाउडर गया था मेरी आइज़ में, तो मैंने इसलिए आज लेंसेज को अच्छे से क्लीन कर लिया, अब उसको रख लिया, उसके बाद फिर मैंने उसमें पानी डाल के उसको स्टोर कर दिया, ठीक है। तो या लेंसेज का रखने का वैसे सही तरीका यही होता है। गुड वाइब्स का मैंने यहाँ पे ऑरेंज ब्लॉसम क्लेंजिंग लोशन ले लिया, मेकअप क्लेंजिंग लोशन, वन ऑफ द बेस्ट लोशन है, अपने 500 वीडियो में मैंने इसके बारे में तारीफ की होगी,
500 वीडियो में मैं क्या करूँ, मुझे ये सूट करता और बहुत आराम से मेकअप निकाल देता है यार। मैंने ना मस्कारा लगाया था, बाकी सारा मेकअप तो निकल जाता, मेन मेरा लफड़ा आके फंस जाता है मस्कारा में। मस्कारा मैं लगाती हूँ वाटर प्रूफ मस्कारा, तो मुझे ऐसा ही प्रोडक्ट पसंद होता है जो मेरे वाटर प्रूफ मस्कारा को वन स्वाइप में निकाल दे। ये देखो आप, इसके साथ इतना होता है कि आपको एक मिनट के लिए अच्छे से मसाज कर लो, सारे मेकअप का मेल्ट कर लो अपने फेस पे, तो ये बहुत आराम से आपका वाटर प्रूफ मेकअप सारा निकाल देता है। आपको आपकी स्किन को पुल नहीं करना पड़ता, आपको मस्कारा की जो लैशेज होती है ना अपने आपको उसको खींचतानी नहीं करनी पड़ती, आराम से मस्कारा निकल जाता है, काजल निकल जाता है आईज में से। इसलिए मुझे ये गुड वाइब्स के क्लेंजिंग लोशंस काफ़ी पसंद है, आप इनमें से कोई भी ट्राई कर सकते हो। अब आगे मैं अपने बाथरूम में, और मेकअप आप देख सकते हो एकदम अच्छी तरह से निकल गया, लैशेज पे सब कुछ निकल गया, क्योंकि मेबलिन का मस्कारा वाटरप्रूफ होता ना, जल्दी निकलता नहीं है किसी भी चीज़ के साथ। तो ये क्लीन हो गया मेरा फेस, अब मैं लगाऊंगी फेस वॉश। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही थी एम कैफीन का, कहाँ चलेगी फिर से, अच्छा एम कैफीन का मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी कॉफ़ी वाला फेस वॉश। कॉफ़ी ना अच्छी होती है स्किन के लिए, पिगमेंटेशन को रिमूव करने में हेल्प करती है आपको। और इधर मैं कुछ DIYs वगैरह भी कर रही थी, जो भी करती हूँ या जो भी फेस पैक वगैरह लगाती हूँ आप लोग के साथ मैं शेयर कर ही रही हूँ। थोड़ी बहुत मेरे फेस भी थोड़ा सा साफ हुआ है, मतलब थोड़ी सी स्किन थोड़ी सी तू 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 ज़्यादा नहीं बोलूँगी, नहीं तो फिर कोई नया पिंपल आ जाएगा मुँह पे। तो मैंने यहाँ पे एम कैफीन का फेस वॉश ले लिया। और अगर आपको पिगमेंटेशन रिमूव करनी होती है ना गाइस, तो रेगुलर बेसिस पे आप अच्छा पानी पियो, चॉकलेट्स वगैरह को अवॉइड करो, जंक फूड को अवॉइड करो, स्किन केयर प्रॉपर रखो, आप अपनी फ्रूट्स वगैरह खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, हेल्दी डाइट रखो। सिर्फ सामान लगाने से मुंह पे नहीं होता, बट डेफिनेटली ये सारी चीज़ें कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं, बट एक प्रॉपर स्किन केयर के साथ साथ प्रॉपर डाइट एंड थोड़ा सा ध्यान वगैरह रखना पड़ता है। जिस पिलो पे आप सोते हो उस पिलो का क्लीन होना, पिलो के कवर का क्लीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हफ्ते में 2 बार कम से कम आप अपनी बेडशीट हो गया या फिर पिलो कवर्स हो गया आप उसको चेंज करो, टॉवल किसी के साथ सेम मत यूज़ करो। और एक और चीज़ थी मैं भूल गई, टाइम से आप अपना मेकअप लगाते हो तो मेकअप को उतारना ज़रूरी है, बहुत कुछ होता है यार। एंड हाँ, ब्यूटी ब्लेंडर्स वगैरह मेकअप करते हो, मेकअप ब्रशेस हो गए, ब्यूटी ब्लेंडर्स हो गए, इनका क्लीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसको हम हमेशा निग्लेक्ट करते हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। अच्छा, तो मैंने ना आज ना मेकअप बड़ी देर तक लगा के रखा था, बैक टू बैक बहुत सारी वीडियो शूट कर ली थी, 6-7-8 वीडियोज़, तो बहुत दोपहर से मेकअप लगा के रखा था, दोपहर शाम से रात का टाइम हो गया था। ये मैं यहाँ पे स्क्रबिंग कर रही थी, गुड वाइब्स का मैंने पॉमीग्रेनेट स्क्रब ले लिया था। जिस दिन मैं ज़्यादा देर मेकअप लगा लेती हूँ ना तो मैं थोड़ा सा स्क्रबिंग फेस के ऊपर ज़रूर कर लेती हूँ, ताकि अंदर से मेरी स्किन एकदम क्लियर हो सके, फिर मैं उसको अच्छी तरह से मॉइस्चराइज करके रात को सोऊं। ये पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि मैं उसको डीपली क्लीन करती हूँ, मतलब अपनी स्किन को, ताकि भैया अगले दिन कोई ना पिंपल विम्पल ना हो, स्किन एकदम साफ रहे, और तो कुछ नहीं। क्योंकि आपको पता है मेकअप का कुछ भी रेसिड्यू रह जाएगा तो आपको फिर पिंपल्स हो जाएगा। फेस क्लीन कर लिया और फेस पूरा घुसा लिया मैंने अपना फ़ोन में। चलो फेस क्लीन कर लिया और पूरा बाथरूम पानी 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 कर लिया। अरे किसको ये फोबिया बताना ज़रा, मेरे को ना बाथरूम में पानी पानी रहता ना बड़ी गंदा लगता है, मतलब आई वॉन्ट कि मेरा बाथरूम हमेशा ड्राई रहे। जब भी यूज़ करते हैं ना तो नहा के आते हैं, कुछ भी होता है उसी समय वाइपर लगाते हैं। अरब के पापा को भी आदत डाल दी है मैंने, पता है कि नहा के बाहर आते हो बाथरूम में वाइपर लगा के आओ, बाथरूम के जो ज़मीन होती है ना वो ड्राई रहनी चाहिए, वो पिच पानी मेरे को बड़ा गंदा सा आई डोंट नो मेरे को बड़ा गंदा लगता है। तभी मैंने सारा फेस वगैरह वॉश के बाथरूम पूरा पानी पानी हो गया, तो उसको क्लीन कर लिया मैंने वाइपर से। 2 मिनट लगते हैं बस, छोटे से एफर्ट होता है, तो बस और कुछ नहीं, फेस क्लीन कर लिया। मैं आ गई रूम में अपने, थक गई, मन कर रहा था बस अब आराम से चुप करके ना फ़ोन साइड में रखे ना थोड़ी देर बैठ के 5 मिनट, फिर मैं सो गई थी, उसी समय सो गई थी। वैसे मैं गुड वाइब्स का मैंने यहाँ पे लेवेंडर टोनर ले लिया। टोनर लगाने से हमेशा की तरह मैं आपको वही बोलूँगी यार, पोर्स मिनिमाइज होते हैं, स्किन आपकी अच्छी रहती है, हाइड्रेटेड रहती है, बट या ये सच है रहती है। अच्छा, गुड वाइब्स का ये सीरम मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, कौन सा वाला सीरम था, रोज हिप वाला, ख़त्म हो गया। और स्ट्रगल चल रहा था कि आखिरी की जो 3-4 बूंदें इसमें पड़ी हुई हैं उसको भी भैया निकाल ही लें, ऐसे तो नहीं हम ऐसे इसको फेंकने वाले, पर नया मेरे पास पड़ा हुआ था। आज के लिए बस इतना निकल गया बस, और कुछ नहीं। मुझे रोज़हिप सीरम सूट करता है। अब आप लोग बोलते हो कि आप यूज़ भी करते हो इतना सामान, तो अनरेडी वाली वीडियो में आपको दिख जाता है कि मैं क्या यूज़ करती हूँ क्या नहीं यूज़ करती हूँ, समझ लो। अनरेडी वाली वीडियो में मुझे थोड़ा कोई बार बार बोलेगा भैया हमारे सामान की ऐड करो, अनरेडी वाली वीडियो मतलब मेरी वीडियो, उसमें मैं जो चाहे बोलूँ जो चाहे करूँ,
ये अनकट वर्जन होता है अनरेडी, समझ रहे हो, जिसमें अपना घर में रोटी बना रही हूँ, खा रही हूँ, पी रही हूँ, उसमें ब्रांड इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। जब हम ब्रांड की वीडियो करते हैं आप देखते ही हो, बट उसके बाद में मैं प्रोडक्ट्स को यूज़ करती हूँ, वही आपको अनरेडी में आपको दिखता है। मैंने यहाँ पे गुड वाइब्स की रोजी क्रीम अप्लाई की, अभी मैंने इसको करंटली यूज़ करना शुरू किया है। टेक्स्चर इज़ सो गुड, मुझे पसंद आया इसका टेक्स्चर, एंड गुड वाइब्स मुझे सूट कर जाता है, सिंपल सी बात है, मेरी स्किन के ऊपर मतलब कर जाता है सूट मुझे। बायोटिक का मैंने यहाँ पे लिप बाम अप्लाई कर लिया और लेंस उतार के, लैशेज उतार के, मुँह हाथ धो के, इतना अच्छा लग रहा था ना मुझे, हल्का लगने लग जाता है। बहुत घंटों से लगातार करके रखो ना तो थोड़ा सा हल्का हल्का सा अच्छा फील हो रहा था। लेवेंडर वाला यहाँ पे मैंने गुड वाइब्स का बॉडी लोशन ले लिया और काफ़ी अच्छा बॉडी लोशन है ये। अच्छी तरह से मैं अपने हैंड्स के ऊपर और यहाँ पे ज़रूर अप्लाई करूँगी। कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लगाते नहीं है बॉडी लोशन, तो वाइट वाइट सा दिखता है, अच्छा नहीं दिखता। बॉडी लोशन लगा के रखा करो, एल्बो पे, कूनी पे, थोड़ा सा लगा के रखोगे ना तो आपकी डार्कनेस भी हट जाएगी वहाँ पे। डार्कनेस इसलिए पड़ जाती है क्योंकि आपकी स्किन थोड़ी सी ड्राई रहती है ना, उसकी वजह से। चलो गाइस, यही थी आज की वीडियो, होप आपको पसंद आई, एंड सारे प्रोडक्ट्स के परचेज लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपको अनरेडी वाली वीडियोज ऐसी पसंद आती रहेंगी, क्योंकि मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ उसके अकॉर्डिंग ही, तो मैं और बनाती रहूँगी। जिस दिन आप लोग बोर होना शुरू हो जाओगे कि भाई ये वही सब रिपीट है, तो फिर मैं उस दिन बंद कर दूंगी बनाना। फिर हम तो अनरेडी तो होंगे ही, मेकअप तो मैं उतारूंगी, मेकअप करूंगी तो ठीक है, तो फिर मैं उस दिन नहीं शूट करूंगी। लेकिन जिस दिन आप लोग बोलते हो ना कि डाला करो, तो फिर अच्छा लगता है, फिर मैं और बनाने लग जाती हूँ। चलो फिर, बाय बाय, लव यू।